दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने वाईफाई का क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ है। और दोस्तों ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बिना पासवर्ड डाले ही यहाँ पर मैं अपने वाईफाई को कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर चला गया मैं वाईफाई में, और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है क्यूआर स्कैनर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैं अपने क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे स्कैन किया तो मेरा जो वाईफाई है मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल का एक क्यूआर कोड बना रखा है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने क्यूआर स्कैनर में, और देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं स्कैन करूँगा तो मेरे यूट्यूब चैनल का डिटेल यहाँ पर आ गया। मैंने ओपन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर ओपन हो गया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्यूआर कोड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब हम कहीं से भी कोई भी सामान परचेज करते हैं और उनको पेमेंट करना पड़ता है, हम अपना पेटीएम, गूगल पे या फिर फ़ोनपे ओपन करते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके हम उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आजकल हम क्यूआर कोड का यूज सिर्फ पेमेंट करने के लिए नहीं, हम हर काम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी को अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना हो, जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो अगर आपको बहुत सारे लोगों को बताना होगा दोस्तों, तो सभी को बताने में आपको काफी टाइम लगेगा। मान लीजिए आपके पास 10 लोग आ गए और 10ों को आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप एक क्यूआर कोड बना सकते हैं, और जो भी लोग आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स से उनके बाल में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके घर में, ऑफिस में या फिर आपकी कंपनी में वाईफाई लगा हुआ है और आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी को भी बार बार शेयर करना पड़ता है, तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वाईफाई का क्यूआर कोड बना लीजिए, जिस किसी को भी आपके वाईफाई से कनेक्ट होना होगा सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करेगा, वो आपको वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका अकाउंट फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर बना हुआ है, तो किसी को भी आपको अपनी डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप उसका एक क्यूआर कोड बना लीजिए और जो भी आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ किस वेबसाइट से आप वाईफाई, अपनी पर्सनल डिटेल से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का एक क्यूआर कोड बना सकते हैं, और किसी को भी आपको अपने पर्सनल डिटेल शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, qrcode-monkey.com। तो मैंने यहाँ पे पहले से ओपन किया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्यूआर कोड किस चीज़ का जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया URL, कोई भी एक वेबसाइट है उसका कर सकते हैं। टैक्स, कोई अगर मान लीजिए हमें एक पेज, दो पेज का कोई टैक्स है हमारे पास, उसका क्यूआर कोड जनरेट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और ये दिया हुआ ईमेल, इसके बाद फ़ोन, SMS, विजिटिंग कार्ड, तो आप यहाँ पे सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं लिंक के, ठीक है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, ठीक है, और यहाँ पे बिटकॉइन, मोर, तो यहाँ पे भी और भी आपको इस ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वाईफाई का क्यूआर कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक किया हुआ है पहले से, और यहाँ पे दिया हुआ है वायरलेस SSID। दोस्तों जो वाईफाई का नाम होता है वो नाम आपको यहाँ पे देना होता है, तो मेरे वाईफाई का यहाँ पे जो नाम है वो है महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर। मैंने अपने कंप्यूटर सेंटर के नाम से वाईफाई का नाम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देना है पासवर्ड, तो जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये आपको सेलेक्ट करना है WAP 2, ठीक है, लास्ट वाले को सेलेक्ट करना है आपको। एक बार आप अपने वाईफाई में आप चेक कर लेना कि वहाँ पे क्या है, वेप है या WAP 2 है, ज़्यादातर WAP 2 ही होता है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेट कलर, आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको अपना क्यूआर कोड किस कलर में चाहिए। अगर आपको सिंगल कलर में चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ सिंगल कलर, आप इस पर क्लिक कर देना। अगर आपको ग्रेडियंट कलर में चाहिए, यानी कि दो कलर में, तो आप इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे आप दो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ये ब्लू है, अभी मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया रेड कलर, ठीक है, आपको जो भी लेना हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया दो कलर। और इसके बाद ये बैकग्राउंड कलर है, जो यहाँ पे क्यूआर कोड का जो आप बैकग्राउंड कलर का देख रहे हैं वाइट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाइट ही रहता है आपका, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एड लोगो इमेज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर हेडिंग, जिस हेडिंग पे क्लिक किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर वाईफाई लिया है, तो वाईफाई के लिए यहाँ पर दिया हुआ सैम्पल ये रहा वाईफाई का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और अगर आप किसी भी दूसरे टॉपिक का कोई बनाते हैं, जैसे यूट्यूब का बनाते हैं या फिर विजिटिंग कार्ड या SMS या फिर फ़ोन का, तो यहाँ पर सारे सैम्पल आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वाईफाई का बना रहा हूँ, तो मैं वाईफाई का लोगो ले लिया, ठीक है। अगर आपको अपना खुद का लोगो आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड इमेज का, आप इस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिएट क्यूआर कोड का ऑप्शन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो जो आपका क्यू आर कोड है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक और रेड मिलाकर के यहाँ पे क्यू आर कोड यहाँ पे बन चुका है और बीच में आ गया वाईफाई का लोगो। इस वाले क्यू आर कोड को डाउनलोड करने के लिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड पीएनजी, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये तो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इसे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर क्यू आर कोड इज बीइंग जनरेटेड, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, ज़्यादा नहीं 5-10 सेकेंड, तो आपका क्यू आर कोड डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपको यहाँ पे आपको अपना क्यू आर कोड दिखा देगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको किसी भी चीज़ का आपको क्यू आर कोड जनरेट करना हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक किया, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ये दिया हुआ है SMS के लिए, विजिटिंग कार्ड के लिए। मान लीजिए अगर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर करना है, जैसे नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे मी कार्ड पे क्लिक करना है और अपनी आपको यहाँ पे डिटेल टाइप कर देनी है। जैसे फर्स्ट नेम में यहाँ पे दे दिया मैंने सैफी, ठीक है, ये दे दिया मैंने सैफी। और यहाँ पर लास्ट नेम में यहाँ पे दे दिया जैसे राजा। और यहाँ पर निक नेम में यहाँ पे जैसे दे दिया मैंने राजा। और ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर टाइप कर देना, ठीक है, जो भी जिस फ़ोन नंबर का आपको क्यू आर कोड जनरेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे रेंडमली यहाँ पे नंबर दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फ़ोन नंबर 2, फ़ोन नंबर 3 आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर आपको वेबसाइट देना है, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये thecomputercourses.com। आप इस वेबसाइट पे जा करके जो भी कंप्यूटर कोर्स करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, अगर आपको याद है आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एड्रेस वगैरह, ठीक है, यहाँ पे स्टेट, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, नोट्स। और नीचे यहाँ पे कलर दिया हुआ है कि आपको QR कोड किस कलर में चाहिए, तो जो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस कलर में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिंगल कलर, और ये ब्लैक है यहाँ पर। और ये दिया हुआ एड लोगो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और अभी मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अपनी शेयर कर रहा हूँ, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने जैसे ये फ़ोन का लोगो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट QR कोड पे क्लिक कर देना है, तो आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सकते हैं जो कलर हमने यहाँ पे लिया था उस कलर में यहाँ पे QR कोड जनरेट हो गया। और आपको यहाँ पे डाउनलोड PNG पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और ये तो एडवर्टीजमेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका QR कोड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, मैं इस पर क्लिक करके आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे आप इसे स्कैन करेंगे आपको मेरी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको YouTube का कुछ QR कोड जनरेट करना हो, मान लीजिए अगर आपका YouTube चैनल है, तो आप यहाँ पे YouTube पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया है आपको अपना YouTube चैनल का आपका URL देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अपना YouTube चैनल का URL। और इसके बाद यहाँ पे सेट कलर, जो भी कलर देना आप यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड का। और ये दिया हुआ है एड लोगो इमेज, इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर जैसे मैंने YouTube का लोगो सेट कर लिया यहाँ से इस तरीके से। और नीचे यहाँ पर लोगो सेट करने के बाद कुछ नहीं करना है, क्रिएट QR कोड पर क्लिक करना है, तो आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोड PNG पे क्लिक करके आपको QR कोड डाउनलोड कर लेना है। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अभी QR कोड जनरेट हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं 5-10 सेकेंड लगता है QR कोड जनरेट होने में। इसके बाद आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है, आपका QR कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप इसे स्कैन करेंगे मेरे YouTube चैनल का कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी टॉपिक का QR कोड जनरेट कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और कंप्यूटर से हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई।